मौसे राजीव राय भी खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आप आए और उनके साथ और वोटों की अपील करें, जनता से वही रूबरू फिर होना चाहते हैं वो आपके साथ। क्या कहना चाहेंगे राजीव राय? देखिए, राजीव राय बुनियादी तौर पर पक्के समाजवादी हैं, बुनियादी तौर पर जनता की सेवा उनका शौक और उनका फलसफा है। वो चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री के शिष्य हैं, जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया जिनको कहा जाता है उनके शिष्य हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, राजीव राय की एक खास गुण है, वो जिसके साथ होते हैं अपना नफा नुकसान नहीं देखते। जैसे कहा है ना कि अरे सूदो जिया देखा नहीं जाता मोहब्बत में, ये दुनिया और दुनिया है, ये सौदा और सौदा है। तो उन्होंने कभी भी सियासत में सूदो जया नफा नुकसान नहीं देखा। उनका टिकट भी कटा, दूसरे को मिला, लेकिन वो समाजवादी पक्ष के साथ खड़े रहे। और उनके सामने जो खड़े हैं उनका तो कोई चरित्र समझ में नहीं आता। कभी हमारे साथ आते हैं, कभी भाजपा के साथ जाते हैं, तो कभी इधर कभी उधर। तो यह लड़ाई बुनियादी तौर पर समाजवादियों और समाज घातियों के बीच में है। जब आप एक दल का दामन छोड़कर किसी और दल के साथ जाते हैं तो पूरे के पूरे समाज को धोखा देते हैं। तो राजभर जी की पूरी सियासत अपने और अपने परिवार के लिए है। और मुझे लगता है कि परिवारवाद को मुद्दा बनाने वाली भाजपा ने टिकट ही उन्हें क्यों दिया। तो भाजपा की इस गलती को भारतीय जनता सुधारेगी। यह लड़ाई भारतीय जनता बनाम भाजपा है, समाजवादियों बनाम समाज घातियों है। हम लोग एक समाजवादी होने के नाते राजीव राय के साथ हैं। और दूसरे, राजीव राय को आप एक गुण देखिए, जो व्यक्ति मिनिस्टर नहीं, जो व्यक्ति सांसद भी नहीं, कुछ लोग विदेश में फंस गए भारत के लोग, वह व्यक्ति एक पैर पर खड़ा रहा और जब तक विदेश से वो लोग यहाँ नहीं आ गए तब तक सांस तक नहीं लिया। तो ये उनका जनता के प्रति प्रेम भाव है। दूसरा, उनसे जब भी बात करिए तब भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, अरे वो मऊ के कुछ लोग बीमार हैं उनको देखने अस्पताल जा रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, अरे वो मऊ में गरीब लोग थे वो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके बच्चों के स्कूल की फीस जमा करने जा रहे थे। तो मतलब तो ऐसे लोगों का संसद में जाना जरूरी है, बनस्पत उन लोगों के जिनके लिए सियासत सिर्फ और सिर्फ तिजारत है, व्यापार है, न दर्शन है न सिद्धांत है। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी सुहेल देव जी को पढ़ा होगा, सुहेल देव जी का बहादुरी और सुहेल देव जी के त्याग भाव से जो परिचित होंगे, वो किसी भी सूरत हाल में इन महोदय राजभर जी को तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो उनका कृत्य सुहेल देव जी के सिद्धांतों के